तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया, नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ढेर लगा के 22 करोड़, तुम 22 करोड़ हो क्या? बेचते क्या हो? हसन निसार का नाम पाकिस्तान के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों में शामिल होता है। इस शख्स ने एक बात कही थी जिसकी पोस्ट मैंने कम्युनिटी टेप में भी डाली थी। इन भाई साहब का कहना था गांधी और नेहरू ने बंटवारे के समय बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी वजह क्या है? अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाते और सारे हिंदू हिंदुस्तान में चले जाते तो आज 2023 में हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे होता और पाकिस्तान सीरिया बन चुका होता। सही बात है। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार है वो गई पब्लिक के बीच में और ये जानने की कोशिश कर दी है क्या हसन निसार साहब ने जो ये कहा वो सही है। क्या हम मुसलमान इतने गलीज कौम है? हसन निसार भी पाकिस्तानियों को समय समय पे नसीहत देते रहते हैं। अभी हमारे खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ साजिश किसी ने करनी क्यों है? सही। हम तो खुद काफी हैं अपने लिए। एक आदमी जो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ के कूदने वाला है उसके खिलाफ किसी को क्या साजिश करने की? चले यही जमहूरियत। जमहूरियत जमहूरियत कौन सी? जमहूरियत धोखे मर गए, बर्बाद हो गए। ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई अखलाकियात, ना कोई कसादियात। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में, ये कल्चर है आपका। मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मेरा तो कभी कभी दिल करता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाके ना रेड शेड करूं कि हुजूर ये सस्पेंड करो, ये इस्लाम और जमहूरियत को भी जलील कर रहे हैं, उसको करते रहो। जमहूरिया पाकिस्तान करो, इस्लाम फिलहाल विदड्रॉ करो। और कुछ तो हो उसका, इस्लाम का कोई मारा मोटा कहीं साया ही नजर आए। और तुम नहीं बख्शते आपस में एक दूसरे को सैलाबों में, रमजान में, सैलाब में, जलजले में, औरतों के जेवर मरी हुई औरतों के या मरती तड़पती हुई औरतों के बालियां उसके ले जाने वाली, ये क्या है? तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानी आवाम का क्या मिजाज है। चलो भाई। ओन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं हामिद निसार, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर माइग्रेशन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान आ चुके होते तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया, नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पे? कॉलमिस्ट है, हर बंदे का अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो उन्होंने ये गलत बात की है। कुछ लोग सुधरते नहीं। अगर आप इस नहीं बात कर रहे हैं, जो मुसलमान आए भी हैं तो अभी तक आप वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चले हालात हर मुल्क के ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन आप सीरिया से कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर आप सीरिया को इतना कर ही रहे हैं तो आप सीरिया के हालात भी देखें और पाकिस्तान के हालात भी देखें, इतने वो सेम हालात नहीं है, बहुत डिफरेंस है। उन्हों पर बहुत जुल्म किया जाता है, तो बस ये बातें हैं। मैं तो यही कहूँगा कि फारिक बातें हैं। चुप कर बे कुत्ते। आप क्या कर रहे हो? आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपने अपनी माइनॉरिटी को ही मसल दिया, कुचल दिया। बात ये बात है, जुल्म हो रहा है, उनको हमारे साथ होना चाहिए, वो मुसलमान हैं, कश्मीर हमारा है, इन सारी चीजों पे हम क्यों जंग लड़ते रहते हैं? यार हम कह रहे हैं ना, हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमने कोई स्टेप लिया है? नहीं, हमने कोई स्टेप नहीं लिया। हम कब से 60 साल 70 साल हो गए हैं हमें बात करते हुए कि कश्मीर को आजाद करो, आजाद करो। हम क्या कर पता नहीं। अगर वहाँ पे वो मुसलमान आज यहाँ उस वक्त आ गए होते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका बन चुका होता, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या हिंदुस्तान अब अमेरिका नहीं है? Yes, you are right. हिंदुस्तान अब अमेरिका, क्या बात है? उसमें सब चीजें हो रही हैं। भाई इतनी लंबी लंबी भी मत छोड़ो, अभी अमेरिका से आगे नहीं है, हमको उससे आगे जाना है, विश्व गुरु बनना है, अखंड भारत बनाना है, अभी सफर जारी है। मैं आपका साथ मांग रहा, सारी चीजें नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी कंट्रोल है, हमने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है, हमारे मुल्क में इतना नहीं है, उधर हमसे ज्यादा है। सर अगर बात करूं सीरिया की, उन्होंने सीरिया से तशबीह दी कि हमारा मुल्क जो है ना वो सीरिया बन सकता था, वो सीरिया में हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या ऐसे अगर चलता रहा सब कुछ तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान सीरिया बन सकता है? ये तो होगा, बन सकता है। जो हमारे हालात चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, तो लगता है कि हमारे मुल्क के हालात हो जाएंगे, अल्लाह ना करे हो, लेकिन हमारी बेसिकली मैं पहले भी कह रहा था हमारी कौम की, हमारी हुकूमत की कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये बंदा ईमानदार आदमी, किसी के वो हार्डवर्क पे, हिंदूज भी हार्डवर्क करते हैं, मुस्लिम भी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप कोई पाकिस्तानी कॉलमिस्ट उठ के कह रहा है कि मुस्लिम जो है वो किसी काबिल नहीं है। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? इसमें तो वो यही शो करना चाहते हैं कि मुस्लिम किसी काबिल नहीं है। काबिल है ना मेरे भाई, आतंकवाद करने में, जिहाद करने में। और देखो तुम आपस में फूटे जा रहे हो, कभी पेशावर में फट जाते हो, कभी कराची में फट जाते हो, कभी खैबर पख्तूनख्वा में फट जाते हो, काबिलियत है तुम में। सर कभी तो हमारे हामिद मीर जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो हमें सराहते हुए नजर आते हैं हिंदुस्तान को। अच्छा, कभी पाकिस्तान से एक्स पीएम इमरान खान साहब सराह रहे होते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, मैं मोदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है समरिया। और कभी हमारे जो है ना इस तरह के कॉलमिस्ट उठ के ये बात कह रहे होते हैं, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अपने मुल्क को डिग्रेड करने वाली चीजें हैं? इसमें अपने मुल्क का नाम ही खराब होता है, मैं तो यही कहूंगा। इसमें टू साइडेड फेस जो होता है, दो हर बंदे का, फिर वो दो नजरिया शो हो जाता है, कभी वो कोई बात करता है, कभी वो कोई बात करता है, कभी हम पाकिस्तान इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं
और कभी वो हम उनको बातें कह रहे हैं कि इंडिया गलत है। ये मेरे भाई को सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इसके लगे पिछवाड़े में आकर बस नहीं चल रहा, नहीं छोरी के चाटा मार देगी। जैसे हालात चल रहे हैं, अगर ऐसे चलते रहे कहीं पे बेहतरी ना आ सकी। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो सीरिया इकोनॉमिकली नहीं, वो हर लिहाज से उधर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जाता है। चल झूठा, इधर ये मुस्लिम कंट्री है, इधर टॉर्चर नहीं किया जाता है। इधर इकोनॉमिकली हमें अपने हुकूमत के प्रेसिडेंट्स ही आ रहे हैं जो वही टॉर्चर। सर क्या ये किसी टॉर्चर से कम है? नहीं टॉर्चर ही है, टॉर्चर तो जैसे मर्जी हो टॉर्चर ही होता है। इकोनॉमिकली हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सीरिया नहीं है? अगर पाकिस्तान में हम लोग ये हालात पैदा कर रहे हैं तो दुनिया तो यही समझेगी ना शायद ये इस्लाम की वजह से, कि हमने क्योंकि हमने इसको इस्लाम की बेस पे बनाया था, इस मुल्क को सेपरेट इस वजह से किया था। तो खाली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान थोड़ी है, और भी तो काफी कंट्रीज है ना, इस्लाम इस पे बेस नहीं है। जाहिल सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान किसी भी मुल्क का मतलब जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, कोई भी जो है ना ऐसी रेजोल्यूशन पे नहीं बना था जिसपे पाकिस्तान बनाया गया। कोई भी कंट्री इस तरह से मुस्लिम की बेस पे जहाद करना, लड़ना इस तरह से उठ के सामने आ जाए। अफगानिस्तान की बात अगर करूं तो अफगानिस्तान एक जानब तो ठीक है, वो लोग मुसलमान है, दूसरी जानब वो पूरी दुनिया से तिजारत भी कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। हमने अपनी तिजारत बंद कर रखी है, हम सिर्फ इस्लामो मतलब फोबिक हो गए हैं, जबकि इस्लाम और फोबिक फोबिया होना दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्या बात है सर, ठीक है बात आपकी, लेकिन नहीं मैं नहीं मानता कि सीरिया के हालात यहाँ पे होंगे। जी है मेरा भाई बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसने कसम ले रखी है कि मुझे तो मेरी लाइन पे रहना है। मैं जा रहा हूँ, दियारी लगा जा। पाकिस्तानी कॉलमिस्ट के ये बात कहने की क्या वजह हो सकती है? उसका अपना माइंडसेट है, उसने किसी टाइप से किसी साइड से अगर उसको लगा होगा तो उसने कर लिया होगा, लेकिन मेरा माइंड यही है कहता कि ये हालात है पाकिस्तान से सीरियस। ठीक है, अगर सीरिया जैसे हालात उस बात को कुछ पूछा निगलेक्ट करते हैं, अगर सीरिया जैसे हालात नहीं है तो इन फ्यूचर कहां स्टैंड करता देख रहे हैं? इन फ्यूचर पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी कंट्री होगी। आर यू कॉमेडी घंटा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां पे अगर वो सब लोग जो हैं पाकिस्तान मूव कर जाते हैं माइग्रेशन के टाइम पे तो आज इंडिया क्या अमेरिका बन जाता? अगर इंडिया ने अमेरिका बनना होता तो अभी तक बन चुका होता, सिंपल सी बात। लेकिन बनने के तो बहुत करीब है ना, बहुत ज्यादा आगे चले गए। वो भी यही कहते होंगे पाकिस्तान बहुत करीब है, हम किसी के अंदर वो नहीं कह सकते सर, वो कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया जानती है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं हम कर्जा मांग रहे होते हैं। क्या रे भीख मंगिया कर्जा, आपने कभी देखा है कि इंडिया का कभी आपने सुना है कि कर्जा किसी ने, उन्होंने क्या आपको लगता है उन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया? सर लिया है उन्होंने लोन, लेकिन एक होता है कभी हर मुल्क लेता है लोन, जब जब किसी को जरूरत पेश आती है, कोई वर्ल्ड बैंक से लेता है, कोई IMF से लेता है, कोई किसी दूसरी कंट्री से लेता है। मुझे बताएं हमने तो छोड़ा कोई मुल्क नहीं जो हमें कर्जा देता और हमने लिया ना हो। हमने तो बल्कि कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि अब हम 3 महीने तक तुर्की से कर्जा नहीं लेंगे। भाई ये बात कहने वाली है, तुर्की इन सिचुएशन में है क्या कर्जा ले सको आप लोग? नहीं, ये पक्का वाला जाहिल था, ये इसको कितना भी समझाने की कोशिश करोगे ये नहीं समझेगा। मेरे बोलने से तो नहीं समझेगा, लेकिन आपके बोलने से जरूर समझेगा, और आपको बोलना है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि इनके जैसे और भी जाहिल आएंगे वो कमेंट पढ़ते हैं, उनको लगते हैं फिर ततैया, और ये ततैया लगाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो इसलिए दिल खोल के कमेंट कीजिए, लाइक टारगेट रखते हैं 12,000। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।